subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मामला कुछ नहीं था जी, इस मीटर के जो बिल उतार के लगे इसका 27,000, हमारे पास तो 21,000 रुपये इसका वो था नोट बिल का, 21,000 के इस पर्ची आई थी हमारे पास, 21,000 ये भरने जा रहा था और वो एसडी बोला भी आप जो है ना एक दो दिन ठहर, आज छुट्टी है कल भर देना। उसके बाद परसों ये परशुराम का मीटर पाड़ने के लिए आए वो लेडीज़ कमलेश कुमारी, साथ उसके 4-5 वो आदमी थे मुलाजिम थे उसके अपने बिजली बोर्ड के, और वो पाड़ने आई तो मीटर वो पाड़ रहे थे, जो परशुराम के आदमी थे उन्होंने फ़ोन किया अपने गुराज को प्रदीप को भी आप आओ यार एक बार हमारे साथ जाती कर रहे हैं। वो गए, बोला कोई ऐसी बात नहीं है आप मीटर मत पाड़ो, आपने पैसे लेने हैं जितने पैसे आपके बनते हैं आपको कल मैं पेमेंट बढ़ा के दे आऊँगा। मैं नहीं मानी, उसके बाद एसडी को फ़ोन किया जो यहाँ का प्रेजेंट एसडी है, वो बोला आप वापस आ जाओ कल पैसे आ जाएंगे कोई बात नहीं, फिर भी नहीं मानी, बोला या तो मैं कलेक्शन कर दूँगी या नौकरी छोड़ूंगी, उसकी इतनी जिद होगी अड़ी होगी उसकी, इन्होंने बोला भाई तू काट के दिखा, इनकी आपस में तू में होगी, बोला बात सुन मेरी, मैं नहीं जानती कौन खट्टर पट्टर है, ये उसमें आ रहा है इसमें मोबाइल में नहीं आ रहा है, मैं खट्टर पट्टर नहीं जानती कौन तुम्हारा सीएम है, मैं तो बिल लेना है अनि तो मैं दोगी छोड़ देनी है, इतनी बात इनकी आपस में तू में होगी, वो चलेगी। उसने पुलिस बुला ली, पुलिस ने आके जायजा देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, बोला यहाँ कुछ नहीं है आप जाओ, वो चले गए। तो हमें नहीं पता था भी इसने कल क्या करना है, वो चले गए। दूसरे दिन उसने जाकर धरना दे दिया, सैटरडे था छुट्टी भी थी, धरना देकर हमें बाद में पता लगा भी उन्होंने धरना दे रखा है। वो धरना जैसे ही उन्होंने दिया शाम को 2-3 बजे से वो उठे, वो एकदम जो डी साहब के पास चले गए, वहाँ उन्होंने क्या 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 नहीं कहा उस हिसाब से, इस साहब ने उनको फोर्स दे दी। और मैं ये बताना चाहता हूँ एक 27,000 के लिए 200 कर्मचारी पुलिस के और 100 लेडी पुलिस और कम से कम 200 आदमी उनके अपने आदमी, वो यहाँ के धावा बोल दिया गलियों में और इस मीटर के ऊपर, तो यह क्या तुक था मुझे बताओ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इन्होंने हमारे साथ जो है ना वो बदतमीजी करी है, हमारे साथ जो इन्होंने धोखा किया है इस बात का भाई, इतने बिल के लिए आज तक हमने कभी देखा नहीं, हम नहीं बोले बिल्कुल, उन्होंने मीटर उतार लिया, मैं बोला एसडी को मैं ठीक है आप मीटर वो हमारा है ये और उतारो, वो उसी मीटर उतार के हमारी तार भी खींच गए, वो बाद में मैं एसडी को फ़ोन किया तार तो दोनों क्यों खींच गए, फिर वो उसने आदमी भेजा वो तार उसने ठीक करी, हमारी लाइट आ गई। तो बाकी जो वो बिल है उसका भी काट के ले गए परशुराम का, खैर उनसे हमारे साथ कोई लेना, वो भी तैयार थे बेचारे बिल भरने को, तो उन्होंने मतलब कि यो नहीं मानना, बोला नहीं अब नहीं हम बिल देंगे, वो यहाँ से चले गए। उसके बाद हम अपने आराम से घर बैठ गए, ये बात थी। और आरोप है कि आपने मारपीट करी? ना ना कोई मारपीट नहीं करी, बिल्कुल 1% भी मारपीट नहीं करी, बिल्कुल किसी उसमें फेसबुक पे आया हो मारपीट के लिए तो हम जिम्मेवार हैं, कोई गुराज खट्टर ने मैंने करी है लड़कों को नहीं, उन्होंने करी बात ही हुई मुझसे, कोई मारपीट हुई नहीं बिल्कुल। ना ना कोई हमारे पास फोन नहीं आया, हम 15-20-30 साल से जब के यहाँ आए इस मकान में ऐसे जैसे अपने हिसाब से बिल भरते थे, बिल भर के हम आ जाते थे, जो भी होता था बिल उनको अदा कर देते थे, हमारे पास कोई भी नहीं आया। एक दिन पहले वो आए बिल वाले, मतलब बिल भर दो, बोला कल हम भर देंगे कल, तो फिर उन्होंने क्या देखा वो आ गए, उन्होंने मतलब कि जैसे वहाँ गुराज की प्रदीप की जैसे तू तुम्हें हुई भी है ना पड़ो आ मीटर आपको कल जो 1,00,000 जो भी बिल है आपको भरवा देंगे, वो बोला तेरा मीटर पाड़ूंगा मैं बिल्कुल, ये 2 मीटर पाड़ने पड़ने हैं तेरे को क्या इस हमारे से, वो जिद दे 2 मीटर पाड़ने, आखिरकार वो 2 मीटर पाड़ के लेगी जिस जैसे उसने कहा था। आप कह रहे हो आपका बिल 28,000? हाँ हाँ जी हाँ जी, हमारे पास 21,000 था। हाँ जी हाँ जी, लेकिन वो कह रहे कि दोनों ही आपके हैं। कौन से? 1,00,000? ना 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 हमारा बिल्कुल नहीं, हमारा कोई उसमें लेना देना ही नहीं। उनके खिलाफ हम जो कल प्रदर्शन करेंगे और सारे जो पब्लिक है शहर की जो अपने हमारे आदमी उनको साथ जोड़ेंगे, जिस साथ कुछ जाती हुई है हमारे साथ आओ। बस अपने यहाँ घर से शुरू होगा, बिजली घर जाते हुए वहाँ पर नाराबाजी होगी इनके खिलाफ, उसके बाद बाजार में होते हुए वापस आ जाएगा। मांग ये मारी जाएगी भाई जो आप जो बिजली बहुतों से जाती कर रहे हो आपको नहीं करनी चाहिए, उसको आप सेटिंग करो जैसे पहले चल रही थी। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा 2012 से जो मकान है जो इसने भाई साहब ने मेरे को बेचा था
और वो जो मीटर है शुरू का ही मेरे नाम इनके नाम है, वो मेरे पास ही मीटर है, वो उसका शुरू से बिल मैं ही भर रहा हूँ उसका मैं। और अब तक मैं हिसाब लगा लो 7-8 साल हो गए वो मीटर में ही उसका बिल पे कर रहा हूँ मैं। पहले ऐसे है ना, हाँ जी अपना कृषि है जी, और ऐसे है दो ये बीच में तो लॉकडाउन आ गया 7-8 महीने, और बीच में जो आए थे एक दो बार ये मांगे कोई नहीं भर जाएंगे, तो कहते कोई नहीं भर देना, और उनकी वो ऐसी बात ही नहीं है हमारे को बिल में, तो आज तक कोई बात हो ही नहीं हमारे बिल में, तो भरते रहते हैं बिल तो। हाँ वो ऐसे ना वो बिल थोड़ा ज़्यादा आ गया था उस टाइम, वो बिल ज़्यादा आने करके तो कोर्ट में चले गए, फिर बाद में उन्होंने जो फैसला हो गया हमारा हमने बिल भर दिया वो। तो कब फैसला ये जो 2019 में ये, बिल समय से ये तो पैसे ना 4 महीने पहले का, तो 7-8 महीने ये लॉकडाउन को हो गया, 1 साल का बिल था बस। तो शासन से ही मांग करेंगे तो मेरा बिल मैंने भर दिया है तो मेरा मीटर लगना चाहिए। बाकी असल में जो मीटर है वो तो मेरे पिताजी के नाम है, लेकिन जो उसका असल यूज़र है वो राजेंद्र कुमार है। 2012 के अंदर मेरे पिताजी ने मकान राजेंद्र कुमार के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन उसका अब तक जो बिजली का कनेक्शन है वो मेरे पिताजी के नाम चल रहा था। 2012 से लेके 2020 तक ये कनेक्शन जो है इसका जो बिल पेड कर रहा है वो राजेंद्र कुमार कर रहा है। 2016 के अंदर राजेंद्र कुमार ने बिजली विभाग के साथ इनका बिल जो है एकदम से ही 25,000 रुपये भेजा गया, जिसमें एक सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन जो है वो मेरे माध्यम से ही डाला गया था। आज मैं देख रहा था कि हमारे एससी साहब बता रहे थे कि 2018 के अंदर जो है इन्होंने जो है हमारा साथ बिल जो है डिस्प्यूट जो था ख़त्म कर दिया था। मैं ये कॉपी दिखाना चाहूँगा कि 2019 जो है 5/2/2019 तक का तो ऑर्डर हमारे पास पड़ा है जिसकी प्रति हमारे पास है, और इस कोर्ट के आदेश के अनुसार, क्योंकि कोर्ट का आदेश में परमानेंट इंजेक्शन यानी कि स्टे का दावा लगातार 3 वर्ष तक चलता रहा, इन और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हमने 50% की राशि जो है भरी थी, उसके बाद सारी राशि इन्होंने हमारे से 2019 के अंदर भरवाई थी। सितंबर तक सारा बिल क्लियर था, उसके बाद सिर्फ एक बिल जो है उन्होंने नहीं भरा जो दिसंबर के अंदर आया, उसके बाद 6 महीने तक लॉकडाउन चलता रहा, हमारी लाइट चल रही है। असल में राजेंद्र कुमार का कनेक्शन कटा था और राजेंद्र कुमार ही उसका यूजर है, और ये सारा एक साजिश के तहत काम किया गया। ये साजिश जो है ये जांच का विषय है, जैसे ही आएगा मैं आपको सारी बात आपको खुल के बताऊंगा, अभी इसका जांच का विषय चल रहा है इसका। तो सर आप किसे जिम्मेवार मानते हैं इस बात का? अभी देखो जांच का विषय है, चल रही है बात भी, किसी ना किसी तरीके से हमारे सामने जब आएगी बात तो मैं आपको खुल कर इस बात के बारे में बताना चाहूँगा, अभी वो जांच का विषय चल रहा है। भूपेंद्र जी जैसे जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से मीटर कटा है तो आपके फादर का नाम तो बार बार यूज हो रहा है, तो जब मीटर ही उनके नाम है तो फिर उनका नाम तो प्रयोग होगा ही, तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड? देखो जी मीटर प्रयोग करना कानून के अनुसार और मीटर का एक होना दोनों जो है अलग अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति राजेंद्र कुमार जो है इसको प्रयोग कर रहा है, यूजर वो है, बिल वो पेड कर रहा है, तो राजेंद्र कुमार के नाम से जो मीटर कनेक्शन काटा गया है तो उसमें बारी बारी पिताजी को टारगेट बनाया जा रहा है, सूरजभान खट्टर भाजपा नेता खट्टर का कनेक्शन कटा। तो सर कागजों में तो सूरजभान दिखाई दे रहा है, सूरजभान के नाम से राजेंद्र जी कहाँ है कागजों में? सूरजभान के नाम से होने से कनेक्शन उनके नाम नहीं बन जाता, यूजर असली देखें आप, यूजर कौन है? यूजर जो काटने का आदेश आए थे। हाँ जी सूरजभान था, परसराम था। परसराम को हम नहीं जानते, परसराम के जो है अगली गली के अंदर मकान है उसी को लेके विवाद हुआ था, विवाद उसका था और उस विवाद का जो निशाना है वो हमें बनाया गया, और वो भी बिना बात के बनाया गया। और एक बात और बता दूं, मैं सामने कर दूं कि जिस दिन ये रेड मारी गई या जिस दिन कल पूरे दलबल के साथ वो आए, उस समय हमने उनको बिजली के जो बिल था सूरजभान के नाम से था, राजेंद्र कुमार ने उनको दिखाया कि ये देखिए जी आपका बिल भर चुका है 28,453 रुपये, आप फिर भी इस बिल को जो है आप इस कनेक्शन को नहीं काट सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती की, कहा हमारे पास अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, फिर ऑन मौके पे 28,000 रुपये नगद पकड़ाए गए, उन्होंने इस बात को लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हम तो बिजली का कनेक्शन काटेंगे ही काटेंगे। कानूनन जो है, अगर कानूनन भी इनके जो बिजली विभाग के ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है कि यदि कोई उपभोक्ता अगर
अगर किसी उपभोक्ता का बिल काटने कनेक्शन काटने जा रहे, अगर वह मौके पर पैसे दे देता है तो उसका कनेक्शन नहीं काटा जा सकता। लेकिन इन्होंने खुंदक के मारे और हमारे से एक षड्यंत्र करके ये सारा काम किया है, इसके लिए ये पूर्ण रूप से दोषी हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इनके ऊपर केस भेज किया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि इन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और इन पर जो है एक्शन लिया जाए।